नमस्कार दोस्तों, ये जो मेडिकल लिखा हुआ प्लस साइन का एलईडी बोर्ड आप लोग देख रहे हैं, इस बोर्ड में देखिए ये एलईडी जो ब्लिंक कर रहा है, इस ब्लिंकिंग को मैंने स्विच की मदद से तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ताकि ये यहाँ पे देखिए मेडिकल वाइट कलर का है, एरो साइन रेड कलर का, और साइड का जो बॉर्डर है ये है ग्रीन कलर का। तो देखिए ये मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो स्टैटिक हो गया, ठीक है, तीन पार्ट में भाग कर दिया। तो यहाँ पे देखिए एरो साइन का स्विच दिया तो एरो साइन ब्लिंक कर रहा है, अभी मैंने दूसरा स्विच बॉर्डर का दिया तो बॉर्डर ब्लिंक कर रहा है, अभी मेडिकल का स्विच देंगे तो देखिए अलग अलग करके भी आप लोग ब्लिंक करा सकते हैं और स्टैटिक भी इसको जलाया जा सकता है। और इसमें मैंने एक ब्लिंकिंग स्पीड कंट्रोल का नॉब भी ऐड कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कैसे मैंने इस बोर्ड को बनाया है। तो सबसे पहले एक फ्रेम की ज़रूरत है, प्लस साइन का जो फ्रेम है वो वाला फ्रेम। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक लोहे का हॉलो पाइप से एक फ्रेम ऑलरेडी बना के रखा है, और ये काफ़ी भारी है, आप लोग देखिए आवाज़ सुन के पता लगा सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी भारी है, मजबूत भी। अब यहाँ पे चेक कीजिए, प्लास्टिक शीट के ऊपर मैंने एलईडीज ऑलरेडी सेट कर दिया है, और इसके ऊपर जो विनाइल स्टिकर है ये दूसरे किसी वीडियो में बताएंगे कैसे चिपकाते हैं, फ़िलहाल मैं बता देता हूँ, साबुन के पानी इसके ऊपर लगाना पड़ता है, उसके ऊपर ये विनाइल स्टिकर चिपका जाता है। और यहाँ पे देखिए पावर आउटलेट के साथ एक SMPS 12 वोल्ट 2 एम्प्स का SMPS है, 2 एम्पियर का, और 2 एम्पियर का SMPS इस बोर्ड में काफ़ी है, तो 2 एम्पियर का SMPS से ये बोर्ड ग्लो करेगा। और इसके पीछे देखिए कनेक्शन फिर से एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, चार LED सीरीज़ में लगाता हूँ, उसके बाद एक 330 ओम्स का रजिस्टर बीच में दे देता हूँ, तो उसी तरीके से यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है। LED बोर्ड का कनेक्शन और सर्किट डायग्राम और भी डिटेल में जानने के लिए आप लोग मेरा LED बोर्ड से रिलेटेड पुराना वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पे विजिट करके। चलिए अब इसको पावर आउटलेट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कनेक्ट मैंने कर दिया है, SMPS ऑन हो गया और LED बोर्ड ग्लो कर रहा है। ये जस्ट मैंने चेक करने के लिए SMPS का कनेक्शन डायरेक्टली यहाँ पर दिया है, अभी यहाँ पर अंधेरा कर दिया है तो और भी ग्लो कर रहा है, शाइन कर रहा है LED बोर्ड। प्लस साइन का जो हॉलो पाइप से बना हुआ जो स्ट्रक्चर है, इसमें मैंने ऊपर और नीचे नट बोल्ट लगा दिया है, ताकि इस नट बोल्ट की मदद से कोई भी एंगल से हम लोग इसको वॉल माउंट कर पाए या किसी भी जगह पे माउंट कर पाए आसानी से। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडा है LED बोर्ड का। यहाँ पर देखिए LED बोर्ड के ऊपर मैंने वर्निश लगा दिया है, ये लिक्विड वर्निश है, और ये मैंने एक गुड क्वालिटी का वार्निश यूज़ किया है। अगर ये वार्निश आप लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा, LED बोर्ड की जो लाइफ है वो 5 से 6 साल हो जाएगी। अगर ये वार्निश आप लोग यूज़ नहीं करेंगे तो LED बोर्ड 1 ही साल के अंदर ख़राब हो जाएगा। चलिए अब इसका ब्लिंकर सर्किट देख लेते हैं, मैंने ब्लिंकर सर्किट किस तरीके से बनाया। इसके लिए मैंने 555 IC लिया है, और इस IC का जो पिन है ये 1 2 3 4, और इस 5 6 7 8 8 ही पिन है इसका। और सर्किट को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो जाए।
अब आप लोग देख सकते हैं कि ब्लिंकर सर्किट विथ SMPS पावर सप्लाई मैंने एक PVC बॉक्स में सेट कर दिया है और ऊपर की तरफ एक वाइट कलर का कनेक्टर भी यहाँ पे लगा दिया है जिसमें 6 पॉइंट्स है और नीचे की तरफ जो रेड कलर के साथ जुड़ा हुआ है वो 2 पॉइंट मैंने कॉमन पॉजिटिव के लिए रखा है और ऊपर का जो 3 पॉइंट्स जहाँ पे मैं अभी वायर लगा रहा हूँ ये 3 पॉइंट स्विच के साथ जुड़ा हुआ है जो स्विच ऑन करके आप लोग ब्लिंक ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और अभी जो पॉइंट मैं लगा रहा हूँ रेड कलर की वायर ये है कॉमन पॉजिटिव। और ब्लिंकर सर्किट का डायग्राम अभी आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो के बीच में। तो ये रहा ब्लिंकर सर्किट का डायग्राम। चलिए फिर से एक बार इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो पावर आउटलेट में कनेक्ट कर लिया है, ब्लिंकिंग चालू हो गया। तो अभी इसको इसका जो ब्लिंकिंग स्पीड है वो भी कंट्रोल करके दिखाएंगे। तो पहले तीनों स्विच को ऑफ़ कर लेते हैं। तीनों स्विच को ऑफ किया तो देखिए स्टैटिक हो गया, स्टैटिक जल रहा है। अभी एक एक करके स्विच देंगे और ब्लिंक टेस्ट करेंगे। तो देखिए अभी जो बॉर्डर है बॉर्डर ब्लिंक कर रहा है। और इसको ऑफ़ करके अभी सेकेंड वाला स्विच ऑन किया तो अब देखिए मेडिकल के साथ जुड़ा हुआ है तो मेडिकल ब्लिंक करने लगा। अभी इसको स्टैटिक करके एरो साइन का स्विच देते हैं तो देखिए रेड कलर का एरो साइन ब्लिंक करने लगा। तो अभी आप लोग हम दिखाएंगे कि ब्लिंकिंग जो स्पीड है नॉब को घुमा के कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो पहले एक किसी एक को ऑन कर लेते हैं, मतलब किसी एक ब्लिंक को ऑन कर लेते हैं। ब्लिंक ऑन किया तो बॉर्डर ऑन हुआ। अभी देखिए बॉर्डर का जो स्पीड है ब्लिंक का वो कंट्रोल हो रहा है। वॉल्यूम जो नॉब है नॉब घुमाने से कंट्रोल हो रहा है। अभी स्पीड बढ़ गया है। दूसरी तरफ घुमाने से देखिए स्पीड कम हो जा रहा है। तो इसी तरीके से स्पीड कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और ये देखिए बॉक्स का ऊपर का जो ढक्कन है वो बंद कर दिया है मैंने। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।